वक्त हमारे कश्मीर एसेंस के साथ बराह रास्त सोनम लोट्स जुड़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महकमा मौसमियात एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो अंदेशा जता है, तो सोनम जी, कश्मीर एसेंस को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे क्या मौसम रहेगा आने वाले दिनों के लिए वादी कश्मीर में। जी शुक्रिया, थैंक यू। जैसे टेंशन गुवी के मुताबिक आज मौसम ओवरऑल रहा है पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जी, हालांकि कोई बर्फबारी का बारिश का कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं आया है जी सर। तो और ठंड बरकरार है, तो आने वाले दिनों में यानी कल परसों जी 9 और 10 तारीख के दरमियान जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जगहों पे मैदान इलाकों में हल्की से बारिश या बर्फ, हल्की भले एक दो इंच तक बर्फ या बारिश का पॉसिबिलिटी से जी, पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे के बारिश बर्फ पड़ने का इम्कान है जी। और लद्दाख में भी खास करके जोजिला द्राज एक्सिस में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ सकता है, खास करके कल और परसों के दरमियान जी। और जहां तक टेम्परेचर की बात करें तो दर्जे हरारत में दिन के दर्जे हरारत में 5-6 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने का इम्कान है और नाइट टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर में 1-2 डिग्री सेल्सियस इजाफा होने का इम्कान है। आज शाम से ही शुरू होगा कि कल मॉर्निंग से हमें वेदर में कल 9 और 10 को। और अगर बिलखसूस शहरी श्रीनगर की बात की जाए तो क्या शहरी श्रीनगर में कोई बर्फबारी के अंदेशा है सर? मैदानी इलाकों में 1-2 इंच हो भी सकता है बर्फबारी। जी जी जी, तो उसके बाद अगर 9, 10, 11 के बाद की बात की जाए तो उसके रिलेटेड आपका क्या अपडेट है सर? 12 तारीख से मौसम ठीक होने का इम्कान है। और अगर हम बात करेंगे सर, ये जो पिछले चलाई कलान अभी आने वाला है तो कहा गया है कि ये चलाई कलान पिछले चलाई कलान से थोड़ा बहुत वार्म ही होगा, तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखो अभी तो नॉर्मली ठीक ही रहा है, जितना पिछले बार ठंड था उतना ही था जी, उससे ज्यादा नहीं था। तो अभी चलाई कलान में वैसे अभी मॉडल्स होता, अभी वेदर मॉडल्स को देख के बोलना मुझे लगता है अभी नॉर्मल ही रहने का इम्कान है। नॉर्मली तो जो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या वो लो इंटेंसिटी की होगी या कि उससे ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है? ज्यादा बारिश नहीं होगा, एक्चुअली इट्स नॉट दैट इंटेंस, इतना इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जी, एक सिंपल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से ओनली वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली लाइट टू मॉडरेट हल्की से लेके दरमियान दर्जे बारिश बर्फ होने का इम्कान है। तो आपने नाजरीन देखा हमारे साथ सोनम लोटस जुड़ चुके हैं जिनका कहना था कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आज से और कल से 11 तारीख तक वादी कश्मीर में हिट हो सकती है, तो उसके बरक जो बारिश और बर्फबारी का है वो दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती है। सोनम जी, अपना कीमती वक्त कश्मीर एसेंस को देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।